संविधान के तीसरा वीडियो लेकर आए हैं, और हर वीडियो में ये चौथा वीडियो है। तीन ठो लोड अपलोड कर दिए हैं, हर वीडियो में 50 क्वेश्चन देखते हैं, इसमें भी चौथा वीडियो में 50 क्वेश्चन देखेंगे। और अच्छा लगे तो लाइक शेयर कर दीजिएगा। तो पिछले वीडियो में 150 देख चुके थे, उसके आगे देखते हैं। इसमें 600 क्वेश्चन है और डेली 50 क्वेश्चन लाएंगे, और ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। इससे बाहर परीक्षा में नहीं आएगा, संविधान से क्वेश्चन आएगा तो इससे बाहर नहीं आएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। किस संवैधानिक संशोधन के तहत 1951 ईस्वी की जनगणना के आधार पर लोकसभा में प्रतिनिधित्व को पुनः व्यवस्थित किया गया? दूसरा, संवैधानिक संशोधन 1952 में संशोधित किया गया। किस संवैधानिक संशोधन के तहत 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए अनिवार्य एवं निःशुल्क शिक्षा को मौलिक अधिकार के रूप में प्रावधान किया गया? 86वां संवैधानिक संशोधन 2002 में किया गया। किस संवैधानिक संशोधन के तहत अंतर्राज्यीय बिक्री कर के अंतर्गत कुछ वस्तुओं पर केंद्र को कर लगाने का अधिकार दिया गया? 6ठा संवैधानिक संशोधन 1956। किस संवैधानिक संशोधन के तहत अरुणाचल प्रदेश को राज्य का दर्जा दिया गया? 55वां संवैधानिक संशोधन 1986 में दिया गया। किस संवैधानिक संशोधन के तहत असम से अलग करके एक नया राज्य मेघालय बनाया गया? 22वां संवैधानिक संशोधन 1969 में बनाया गया। किस संवैधानिक संशोधन के तहत केंद्र तथा राज्य में मंत्रिपरिषद का सदस्य संख्या क्रमशः लोकसभा तथा विधानसभा की सदस्य संख्या का 15% किया गया? 91वां संवैधानिक संशोधन 2003 में किया गया। किस संवैधानिक संशोधन के तहत गोवा राज्य का दर्जा दिया गया? 56वां संवैधानिक संशोधन 1987 में दिया गया। किस संवैधानिक संशोधन के तहत दादरा और एवं नगर हवेली को भारत में शामिल कर उसे केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा दिया गया? 10वां संवैधानिक संशोधन 1961 में दिया गया। 169 क्वेश्चन देखते हैं। किस संवैधानिक संशोधन के तहत नागालैंड को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया? 13वां संवैधानिक संशोधन 1962 में दिया गया। 160 नंबर क्वेश्चन है, किस संवैधानिक संशोधन के तहत पुडुचेरी को केंद्र शासित प्रदेश के रूप में पुडुचेरी को भारत में शामिल किया गया? 14वां संवैधानिक संशोधन 1963 में किया गया। किस संवैधानिक संशोधन के तहत प्रथम अनुसूची में संशोधन कर गोवा तिथि दमन एवं दीव को भारत में केंद्र शासित प्रदेश के रूप में शामिल किया गया? 12वां संवैधानिक संशोधन 1962 में किया गया। किस संवैधानिक संशोधन के तहत भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किया गया? 7वां संवैधानिक संशोधन 1956 के तहत किया गया। किस संवैधानिक संशोधन के तहत मिजोरम को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया? 53वां संवैधानिक संशोधन 1986 में दिया गया। 164 नंबर क्वेश्चन है, किस संवैधानिक संशोधन के तहत राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों की सेवानिवृत्ति की आयु 60 वर्ष से बढ़ाकर 62 वर्ष कर दी गई? 41वां संवैधानिक संशोधन 1976 में किया गया। 165 नंबर क्वेश्चन है,
किस संवैधानिक संशोधन के तहत राष्ट्रीय आपातकाल लागू करने के लिए आंतरिक अशांति के स्थान पर सैन्य विद्रोह का आधार रखा गया? तो 44वां संवैधानिक संशोधन 1978 में रखा गया था। 166 नंबर क्वेश्चन है, किस संवैधानिक संशोधन के तहत लोकसभा तथा राज्य विधानसभाओं की अवधि 6 वर्ष से घटाकर 5 वर्ष कर दी गई? 44वां संवैधानिक संशोधन 1978 में किया गया। किस संवैधानिक संशोधन के तहत लोकसभा सदस्यों की संख्या 525 से बढ़ाकर 545 कर दी गई? 31वां संवैधानिक संशोधन 1973 नोट। इसी संशोधन के तहत केंद्र शासित प्रदेशों का लोकसभा में प्रतिनिधित्व 25 से घटाकर 20 कर दिया गया। 168 नंबर क्वेश्चन दिया है, किस संवैधानिक संशोधन के तहत शपथ ग्रहण के अंतर्गत मैं भारत की स्वतंत्रता एवं अखंडता को बनाए रखूंगा वाक्य जोड़ा गया? तो 16वां संवैधानिक संशोधन 1963 में किया गया। किस संवैधानिक संशोधन के तहत शिक्षा तथा जनसंख्या नियंत्रण आदि विषयों को राज्य सूची से समवर्ती सूची के अंतर्गत लाया गया? तो 42वां संवैधानिक संशोधन 1976 के अंतर्गत लाया गया। 170 नंबर क्वेश्चन दिया है, किस संवैधानिक संशोधन के तहत संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार से हटा दिया गया? तो ये 44वें संविधान संशोधन 1978 में किया गया। 171 नंबर क्वेश्चन है, किस संवैधानिक संशोधन के तहत संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों के भाग से हटाकर कानूनी अधिकारों की श्रेणी में रखा गया? तो 44वां संवैधानिक संशोधन 1978 में रखा गया। 172 नंबर क्वेश्चन है, किस संवैधानिक संशोधन के तहत सरकारी सेवाओं में अनुसूचित जाति व जनजाति के अभ्यर्थियों के लिए पदोन्नति में आरक्षण की व्यवस्था की गई? तो 85वां संवैधानिक संशोधन 2001 में की गई। 173 नंबर क्वेश्चन है, किस संवैधानिक संशोधन के तहत संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष एवं एकता और अखंडता आदि शब्द जोड़े गए? तो 42वां संवैधानिक संशोधन 1976 में जोड़े गए। किस संवैधानिक संशोधन के तहत संसद को यह शक्ति दिया गया कि वह संविधान के किसी भी भाग में संशोधन कर सकता है? तो 24वां संवैधानिक संशोधन 1971 में किया गया। 175 नंबर दिया है, किस संवैधानिक संशोधन के तहत सिक्किम को भारत का 22वां राज्य बनाया गया? तो 36वां संवैधानिक संशोधन 1975 में बनाया गया था। किस संवैधानिक संशोधन के तहत हिमाचल प्रदेश, मणिपुर, त्रिपुरा, गोवा, दमन एवं दीव तथा पुडुचेरी में विश्व विधान पालिका एवं मंत्रिपरिषद की स्थापना की गई? तो 14वां संवैधानिक संशोधन 1963 में की गई। किस संवैधानिक संशोधन को मिनी संविधान के रूप में भी जाना जाता है? तो 42वां संवैधानिक संशोधन 1976 में जाना जाता है। 178 नंबर क्वेश्चन दिया है, किस संशोधन के तहत यह निर्धारित किया गया कि राष्ट्रपति, मंत्रिपरिषद एवं उसके प्रमुख प्रधानमंत्री की सलाह के अनुसार कार्य करेगा? तो 42वां संवैधानिक संशोधन 1976 में किया गया। किस सूची में दिए गए विषय पर केंद्र और राज्य दोनों सरकारें कानून बना सकती है, परंतु विषय समान होने पर केंद्र सरकार के कानून
मान्य होंगे तो समवर्ती सूची में इसका मान्य होगा। 180 नंबर क्वेश्चन दिया है, किस सूची में दिए गए विषय पर सिर्फ केंद्र सरकार कानून बना सकती है? तो संघ सूची में बना सकती है। किसकी अनुमति के बिना राज्य की विधानसभा में कोई धन विधेयक पास नहीं हो सकता? राज्यपाल के अनुमति के बिना नहीं हो सकता। किसकी सिफारिश पर भारत में त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की स्थापना की गई? तो बलवंत राय मेहता समिति इसका आंसर हो जाएगा। 183 नंबर क्वेश्चन दिया है, किसने प्रारूप समिति को अपवाहन समिति कहा था? तो निराजुद्दीन अहमद इसका आंसर हो जाएगा। किसने राष्ट्रीय विकास परिषद को सुपर कैबिनेट की संज्ञा दी थी? तो के संथानम ने दी थी। 185 नंबर क्वेश्चन दिया है, किसने संविधान सभा को हिंदुओं का निकाय कहा था? तो लॉर्ड विस्काउट ने कहा था। किसी भी अवस्था में विधान परिषद के सदस्यों की संख्या कम से कम कितना होना आवश्यक है? इसका 40 हो जाएगा। 187 नंबर दिया है, किसी भी उच्च न्यायालय में प्रथम महिला मुख्य न्यायाधीश कौन थी? तो लीला सेठ थी। 188 नंबर दिया है, किसी भी राज्य के विधानसभा में अधिक से अधिक कितने सदस्य हो सकते हैं? तो 500 हो सकते हैं। किसी भौगोलिक क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र घोषित करने का अधिकार किसको है? तो ये राष्ट्रपति को है। 190 नंबर दिया है, किसी राज्य की कार्यपालिका की शक्ति किसमें निहित होती है? तो राज्यपाल में निहित होती है। 191 नंबर दिया है, किसी राज्य के उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन एवं भत्ते का संबंध किससे होता है? तो संबंधित राज्य की लोक लेखा निधि से होता है। किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन कितने समय के लिए रह सकता है? 3 वर्ष के लिए रह सकता है। केंद्र एवं राज्यों के बीच संबंध का प्रावधान किस देश के संविधान से लिया गया है? तो ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है। 194 नंबर दिया है, केंद्र द्वारा राज्यों को सहायक अनुदान दिए जाने का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? तो अनुच्छेद 275 में किया गया है। 195 नंबर दिया है, केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों के बंटवारे का उल्लेख किस अनुसूची में किया गया है? तो ये 7वीं अनुसूची में किया गया है। केंद्रीय संसद राष्ट्रहित में राज्य सूची के विषयों पर कानून बना सकती है। राज्यसभा में उपस्थित सदस्यों के 2/3 बहुमत पर। कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार संविधान सभा में कितने सदस्य होने थे? तो 389 सदस्य होने थे। कोंकणी, मणिपुरी तथा नेपाली भाषा को किस संवैधानिक संशोधन के तहत 8वीं अनुसूची में जोड़ा गया? 71वां संवैधानिक संशोधन 1992 में जोड़ा गया। 199 नंबर क्वेश्चन दिया है, कौन सा एकमात्र व्यक्ति उच्चतम न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश रहते हुए भारत का कार्यवाहक राष्ट्रपति रहा? तो मोहम्मद हिदायतुल्ला रहा। 200 नंबर क्वेश्चन दिया है, कौन सा राज्य सबसे अधिक प्रतिनिधि लोकसभा में भेजता है? तो उत्तर प्रदेश भेजता है, 80 सीट भेजता है। ठीक है, आज के लिए 200, अगले वीडियो में 201 से चालू करेंगे। अच्छा लगे तो लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। धन्यवाद।